लड़का ही जिसका हमने 8 महीने पहले 5 महीने पहले स्टेम सेल किया था उसकी उम्र 8 साल है और वो उसको ऑटिज्म डिसऑर्डर बताया गया था। स्टेम सेल करने के बाद पहला बहुत हाइपर एक्टिव था, अभी थोड़ा कम हो गया है, कम इन द सेंस बिल्कुल कम हो गया है, बस कभी कभार हाथ हिलाता है, बाकी कुछ नहीं। स्कूल में जाने से उसका बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। एक तो वो अपना बैग वगैरह सब पहले पहचानता नहीं था, या अपना वाटर बॉटल था वो ऐसे कभी कभी छोड़ के भी आता था, लेकिन अभी वो सब नहीं करता है। अपना बॉटल भी अगर उसने ले किसी ने लिया तो वो उसके बाद से ले लेता है, फिर से खाने की प्लेट वगैरह खुद ही अपने धोने के लिए रख देता है। टी शर्ट पहनते वक्त उसको पहले तो हम लोग ही पहना देते हैं, अभी उसके सर तक लाकर छोड़ देते हैं तो वो खुद ही पहन लेता है, हाथ वगैरह डाल लेते हैं। शर्ट पहनने में थोड़ा उसको मदद करना पड़ता है। पहला ऐसा एक बार बैठता नहीं था एकदम एक जगह पे, अब जैसे उसको बोले बैठने के लिए तो वो बैठ रहा है। फिर उसको जो चीजें अच्छी लगती है डाइम वगैरह जो पोमोग्रेनेट देता है वो खुद ही फ्रिज में से लेके आता है, उसके साथ में छुरी वाटी चम्मच वो खुद लेके आता है और उसकी मम्मी को या मुझे ऐसा बोलता है कि काट के दो। उसका अगर एक पीस भी निकाल के दिया तो उसमें से भी पहले कुछ निकालता नहीं था, अभी वो खुद ही वो निकाल के खाने लगा है। फिर किसी के जूते वगैरह सब बाहर पड़े रहेंगे तो खुद ही उसको सब रख देता है अंदर, खुद के भी रख देता है। पहला बाहर किसी का फंक्शन रहेगा तो बहुत जोर से आवाज बैंड वगैरह बजता था तो एक साइड में किचन में किधर जाके बैठ जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं, खुद बाहर आके देखने भी लगता है। जैसे अभी दिवाली के लिए उसमें पटाखे वगैरह उनका भी बहुत सारा आवाज है, लेकिन पहले बहुत रोता था, चिल्लाता था, रोना शुरू कर देता है पटाखे का आवाज से। अभी वो भी उसका बंदी हो गया, अभी जब उसका इच्छा उसकी होती है कि जाके वो खुद देखे बाहर, ऐसा बाहर जाके देखता भी है वो। खेलना बॉल कैच पहले नहीं करता था, अभी वो करने लग गया है। और हाँ, फोन घर में सबका उसको ये नहीं होता था, अलग अलग 3-4 फोन घर में है तो किसी का बजता है तो बराबर उसको लाके भी देता है, या कोई बोला कि भाई मेरा फोन लेके आया मम्मी का फोन ले तो वो भी फोन वो लाके देता है बराबर। फिर एक्शन बहुत सारा कॉपी करने लगे हैं, जैसे क्लैपिंग करने का उसको ऐसा उंगली मम्मा मम्मा बोलते हैं, हैंड वॉश है, आईज अपना बॉडी पार्ट्स बताता है बहुत सारा। फिर हाँ, दूसरा सीटी बजाने को भी लग गया है, वो पहले बिल्कुल नहीं करता था, उसको फूक मारने को नहीं जमता था, अभी वो करता है। फिर स्ट्रॉ से पानी नहीं पीता था बिल्कुल, तो वो भी करने लग गया है। फिर बबल्स फूकता था वो भी, वो नहीं आता था उसको, तो वो भी बबल्स वगैरह भी फूकने लग गए। बॉल से तो पहले बिल्कुल नहीं खेलता था, अभी बॉल से तो खेलता भी है, इवन किक भी मारने लग गया है। वो मोबाइल में सबवे सर्फर पहले खेलता था, लेकिन मैडम ने जैसे ये बताया था कि पजल्स गेम होता है मोबाइल में रहते हैं, तो वो तो पूरा मोबाइल में पूरे पजल्स को सॉल्व कर लेते हैं। इवन फिजिकली भी दूसरा पजल्स पिक्चर पजल्स वगैरह रहता है वो भी उसको ये होता है। खाना तो खुद अपने हाथ से खाता है, उसका कुछ कमी नहीं है, खुद का पेट ही खाने के बाद खत्म होने के बाद बराबर रख देता है। और उसको स्कूल जाने के लिए कभी रोता नहीं है, टॉयलेट के लिए भी उसको प्रॉपर जाने लग जाए नहीं लगता। पहले मेहमान आते थे तो अकेला जाके किचन में बैठ जाता था, अभी वैसा नहीं करता, अभी उधर उनके बाजू में आके बैठता है। अगर वो कुछ खाने के लिए लाते थे या बिस्किट वगैरह उसको देते थे तो उसका पसंद का नहीं रहता तो फेंक देता था, अभी ऐसा नहीं करता, अगर उसका पसंद का नहीं भी रहेगा तो एक साइड में रख देता है, तो फेंकता नहीं है चीजें। पहले एक दो बार मोबाइल भी वो ऐसा गुस्से से फेंक देता था, अभी वो भी नहीं फेंकता है। गेम खेलते वक्त अगर मोबाइल में फोन बजा या किसी का फोन आया तो वो भी बराबर उसी पर्सन को ला के दे देता है जिसका मोबाइल है। ये सब इम्प्रूवमेंट हमको 5 महीने में दिखी है। लिखने के लिए पहला बैठता ही नहीं था, 5-6 मिनट भी ऐसा बैठता ही नहीं था, अभी डेढ़ डेढ़ घंटा एक एक घंटा बैठने लगे। ए बी सी डी उसको आता है लिखने को, लेकिन थोड़ा गाइड कर रहा है,
थोड़ा सा हेल्प करने के बाद वो भी कर लेता है सब। ट्रीटमेंट करवा के अच्छा लगा मुझसे, उसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। हमको ऐसा लग रहा है कि पहले क्यों नहीं हमको मालूम पड़ा कि अगर एक दो साल पहले हमको मालूम पड़ता तो शायद आज बोल भी सकता था।